हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्राइबर बटन है उसको प्रेस कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरा आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो स्विस ब्यूटी कवर स्टूडियो की एक अल्ट्रा बेस कंसीलर प्लेट है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। ये स्विस ब्यूटी कवर स्टूडियो की अल्ट्रा बेस कंसीलर पैलेट है। इसका शेड है 01। चलिए इसको ओपन करते हैं। ये कुछ ऐसे बॉक्स में है और काफ़ी अच्छा बॉक्स है इसका। देखने में इसका लुक काफ़ी अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला सेट लेते हैं। इसका टेक्सचर काफ़ी क्रीमी है। अब हम इसे हाथ पर लगाकर दिखाती हूँ मैं आपको ताकि आपका इसका रियल कलर पता चल सके। लाइट शेड है ये। अब आपकी स्किन के अकॉर्डिंग कोई सा भी सेट चूज कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सेट दिए हुए हैं। सेकंड, ये इससे थोड़ा सा डार्क शेड है और इसका टेक्सचर काफ़ी क्रीमी है। अब इसको यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। देन थर्ड, इससे एक लाइट शेड है। इसे एज अ हाइलाइटर भी हम यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लाइट शेड है ये। आप टी जोन को हाईलाइट करने के लिए या फिर कॉन्टोरिंग को हाईलाइट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ये चौथा देखते हैं हम। एक डार्क शेड है, इसे एज अ कॉन्टोर भी हम यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टोरिंग के लिए परफेक्ट शेड है। पांच वाला शेड, कुछ ऐसा शेड है ये। जो भी शेड आपकी स्किन के अकॉर्डिंग हो उसको आप चूज कर सकते हैं। काफ़ी सारे सेट्स हैं इसमें। देन ये लास्ट वाला, और लास्ट में ये हमारे सात शेड्स हैं। और जो आखिरी ये शेड है वो एक कलर कैरेक्टर शेड है। इससे आप अपने डार्क सर्कल या फिर कोई भी ब्लैक स्पॉट जो आपके फेस पे हो उसे छुपाने के लिए आप कलर कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ही आप अपने टोन, स्किन टोन के हिसाब से कंसीलर और फाउंडेशन लगाएंगे। एक शेड जो मेरा स्किन शेड है वो मैं आपको यहाँ अप्लाई करके बताती हूँ। काफ़ी अच्छा शेड है ये और आपकी स्किन काफ़ी लाइट वेट भी है। आपकी स्किन में एक बिल्कुल इवन हो जाएगा। ये आठ शेड हैं जो मैंने आपको एक एक करके दिखाए हैं, इनके कलर शेड।
काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इस पैलेट का। मैंने इसे सारे शेड यूज़ किए हैं और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसका रिव्यू बनाती हूँ। ये मैंने अमेजन से परचेस किया था, वहाँ कुछ ऑफ़र चल रहा था तो मुझे 250 का ये पैलेट पड़ा है, प्लस इसका डिलीवरी चार्ज जो भी अमेजन लेता है प्रोडक्ट पर। अगर आप चाहें तो आप भी इसे परचेज़ कर सकते हैं, और लोकल मार्केट में भी अवेलेबल है। अगर आप वहाँ चाहें तो वहाँ से या फिर अमेज़न से परचेस कर सकते हैं, जहाँ भी आपको प्राइस पसंद आए वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं। अमेज़न से आप परचेस करना चाहते हैं तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर इसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।